नमस्कार, मैं हूं वर्षा आपके साथ और आप देख रहे हैं SRB बुलेटिन न्यूज चैनल। तो आइए देखते हैं आज के मुख्य समाचार। कोरोना वायरस जैसी महामारी पर जनता द्वारा सोशल मीडिया पर शेयर किए जा रहे कुछ सच और झूठ से पर्दा उठाएगा SRB। तो वहीं गले को सूकर रखकर कोरोना के संक्रमण से बचा जा सकता है, यह सिर्फ झूठ है। इस दावे का कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण उपलब्ध नहीं है। सोशल मीडिया पर कहा जा रहा है कि यह वायरल कुछ घंटों तक जीवित रहता है, जो सरासर झूठ है। सच यह है कि अध्ययनों से पता चला है कि कोरोना वायरस सतहों पर कुछ घंटे से लेकर कई दिनों तक बने रहते हैं। यह अलग अलग परिस्थितियों में जैसे सतह तापमान या वातावरण की आर्द्रता पर निर्भर करते हैं। सोशल मीडिया पर कहा जा रहा है कि विटामिन सी के भरपूर सेवन से कोरोना संक्रमण को ठीक करने में मदद मिलती है, बल्कि यह सच है कि विटामिन सी के नियमित सेवन से प्रतिरोधक क्षमता अवश्य बढ़ती है, लेकिन इसकी अत्यधिक सेवन की सलाह नहीं दी जा सकती। सोशल मीडिया पर झूठ फैलाया जा रहा है कि मुझे अपने पालतू जानवर से COVID-19 का संक्रमण हो सकता है। सच यह है कि वैसे हांगकांग में एक कुत्ते के संक्रमित होने की सूचना है, लेकिन ऐसा कोई सबूत नहीं है कि कुत्ता बिल्ली या किसी पालतू जानवर से COVID-19 का संक्रमण फैल सकता है। झूठी खबर जिसमें कहा गया कि एक चीनी चिकित्सक के मुताबिक कोरोना वायरस का इलाज एक कटोरी लहसुन है। तो वहीं सच यह है कि ऐसी जानकारी कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। सोशल मीडिया पर फैलाया जा रहा झूठ, उस मायन अवधि 5 दिनों तक रहती है, बल्कि सच यह है कि उस मायन अवधि का अर्थ है कि वायरस के संक्रमण और बीमारी के लक्षणों की शुरुआत के बीच का समय। COVID-19 के लिए उस मायन अवधि 1 से 14 दिनों तक की है। इसके अलावा एक झूठ और भी है, जिसमें नया कोरोना वायरस बुजुर्गों या बच्चों को प्रभावित करता है, युवाओं को नहीं, बल्कि सच यह है कि सभी उम्र के लोगों को वायरस COVID-19 से संक्रमित हो सकते हैं। बुजुर्ग और पहले से कमजोर सेहत जैसे कि अस्थमा, मधुमेह, दिल के मरीज वाले संक्रमण से जल्द ग्रस्त हो जाते हैं और अत्यधिक बीमार हो सकते हैं। सोशल मीडिया पर फैलाया जा रहा झूठ, एंटीबायोटिक्स नए कोरोना वायरस के संक्रमण रोकने और इलाज में प्रभावी है, बल्कि सच है कि इससे वायरस के संक्रमण का इलाज नहीं होता, यह सिर्फ जीवाणुओं से हुए संक्रमण का इलाज है। नया कोरोना वायरस COVID-19 एक वायरस है और इसलिए एंटीबायोटिक्स का उपयोग इसकी रोकथाम या उपचार नहीं किया जाना चाहिए। हालांकि अगर आपको 2019 NCOV के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है, तो आपको बैक्टीरियल के सह संक्रमण से बचाने के लिए एंटीबायोटिक्स दिया जा सकता है। एक और झूठ, यदि आप बिना किसी असुविधा के 10 सेकंड तक अपनी सांस रोक सकते हैं तो आपको COVID-19 का संक्रमण नहीं हो सकता, बल्कि सच है कि बिना किसी असुविधा के 10 सेकंड से अधिक समय तक अपनी सांस रोककर रखना यह साबित नहीं करता कि आप संक्रमित हैं या नहीं। एक और झूठ, सोशल मीडिया के एक वायरल पोस्ट में दावा किया गया है कि करेले का रस कोरोना वायरस का इलाज कर सकता है, बल्कि यह सच नहीं है। ऐसा कोई इलाज उपलब्ध अभी तक नहीं हुआ।